इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली फॉर अ गिवन इक्वेशन. यदि इक्वेशन गिवन है तो के इक्विलिब्रियम केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा. और के इक्विलिब्रियम का रिलेशन कैसा आएगा टेम्परेचर के साथ वो देखें तो क्या होता है. उसके लिए वेंट ऑफ इक्वेशन इज देयर. वेंट ऑफ इक्वेशन बी एल एन के बाई डी टी स्क्वायर टू डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर. ऐसा एक इक्वेशन हो गया. इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा डी एल एन के स्क्वायर टू डेल्टा एच बाई आर डी टी बाई टी स्क्वायर. इसको के वन से के टू कर दो तो ये एल एन के आ जाएगा के वन के टू और डेल्टा एच बाई आर. इसका वैल्यू होगा माइनस वन बाई टी यदि मालूम हो तो. टेम्परेचर टी वन से टी टू. टी वन टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन था. टी टू टेम्परेचर पे के टू है तो क्या रिलेशन आ जाएगा एल एन के टू माइनस एल एन के वन इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर ये वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन. तो वन माइनस टी वन माइनस वन बाई टी टू कर सकते हैं सर. एल एन के टू बाई के वन एल एन को लॉक करोगे तो 2.303 आर आ जाएगा. ये होगा ना डेल्टा एच बाई 2.303 आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू मतलब टी टू माइनस टी वन बाई टी वन टी टू. ऐसे एल एन लिखी देता है फिर लॉक कर देंगे. लॉक करोगे तो यहाँ पे 2.303 आर लेना ही होगा ना. तो ये K1 T1 टेम्परेचर पर K1 मालूम है तो T2 टेम्परेचर पर K2 का वैल्यू आ जाएगा. यही होगा ना. ये रिलेशन क्या आया ये हो गया लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2. जैसे 300 केल्विन पे K1 का वैल्यू है 5 सपोज तो T1 हो गया 300 केल्विन K1 हो गया 5 तो पूछेगा कि 500 केल्विन पे K2 क्या होगा K क्या होगा तो T2 हो गया 500 केल्विन K2 क्या होगा. तो ऑफ कोर्स डेल्टा H विल बी गिवन बट डेल्टा H यदि जूल में है तो R का वैल्यू 8.314 डेल्टा H कैलोरी में है तो R का वैल्यू 2 रखना कैलोरी में यही होता है ना. तो ये log k2 by k1 is equal to delta h by 2.303 r ये हुआ ना. अब इसको करें हम लोग ओके केस वन डेल्टा h इज पॉजिटिव टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा. डेल्टा h पॉजिटिव है टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों इंक्रीजेस. ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे. टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो रेट बढ़ ही जाएगा. इसीलिए हर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हाई टेम्परेचर पिया जाता है. सबको देखोगे फर्नेस लगा हुआ क्यों चिमनी में रहता है उसमें जितना हाई टेम्परेचर होगा रिएक्टिविटी बढ़ जाती है. केफ के भी दोनों बढ़ गया. डेल्टा एच पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ गया तो राइट वाला टर्म क्या होगा log k2 by k1 is equal to delta H positive R positive T2 minus T1 positive ये positive आ गया ना. इसका मतलब k2 by k1 is greater than 1 k2 is greater than k1 मतलब क्या हो गया इससे k equilibrium increases. k equilibrium बढ़ गया ना. अब के इक्विलिब्रियम के वैल्यू होता है के एफ बाई के बी.
बोथ हैव इंक्रीज, केएफ भी इंक्रीज हुआ, केबी भी इंक्रीज हुआ, के इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज हुआ, तो ज्यादा इंक्रीज कौन सा हो गया, केएफ ना, तभी ओवरऑल इंक्रीज हुआ ना, केएफ इंक्रीजेस मोर देन केबी। KF increases more than KB. ये क्लियर हो गया सेकंड केस, मतलब एंडोथर्मिक को हीट करने पे के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस। ओके, एंडोथर्मिक को कूल करोगे तो क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी डिक्रीज कर दिया तुमने, डिक्रीज करोगे तो ऑफकोर्स टेम्परेचर कम करोगे तो रेट कम हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन का, ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन था ना, डेल्टा इज पॉजिटिव, टी इंक्रीजेस तो क्या होगा, लॉग के टू बाई के वन निगेटिव आ गया ना, डेल्टा इज पॉजिटिव है और टी टू इज लेस देन टी वन, हाँ निगेटिव मतलब K2 by K1 is less than 1 ना, मतलब K value K equilibrium decreases, तो कौन सा ज्यादा डिक्रीज हुआ, KF की KB, K equilibrium KF by KB है and overall decrease हुआ, तो केबी डिनोमिनेटर में होता है ना, डिनोमिनेटर में ज्यादा डिक्रीज हो जाए, हाँ केएफ यदि केबी ज्यादा डिक्रीज होगा तो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा, तो जैसे ये 5/3 है, अब ये मान लो 4 पहुंच जाए और ये 1 हो जाए तो वैल्यू बढ़ जा रहा है ना, ये ज्यादा डिक्रीज नहीं होना चाहिए ना, तो केएफ शुड डिक्रीज मोर। KF decreases more than KB, ऐसे लिख सकते हैं ना, एंडोथर्मिक को हिट करोगे तो K equilibrium इंक्रीज होगा, मतलब रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, हाइयर द वैल्यू ऑफ K equilibrium, एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट उतना ज्यादा होता है ना, एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, यही है ना, और ये रिएक्शन किधर आ जाएगा, बैकवर्ड, मतलब एंडोथर्मिक को हीट करोगे तो मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यही होगा ना, और एंडो को कूल करोगे तो उल्टा जाता है फिर वो। थर्ड, डेल्टा इज नेगेटिव, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव का ही केस देखा था ना, डेल्टा इज नेगेटिव ले लो और टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को हीट करें, हीट करोगे तो के एफ भी इंक्रीज होगा, के बी भी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज होगा, और जब इस पे जाओगे लॉग के टू बाई के वन, ये कितना होगा, डेल्टा एच बाई 2.03 यार, ये कितना होगा, टी टू माइनस टी वन बाई टी वन टी टू, क्या होगा, ये नेगेटिव है, टी टू माइनस टी वन भी क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो टी टू माइनस टी वन पॉजिटिव हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव ना, नेगेटिव मतलब वो वैल्यू लेस देन वन है, लेस देन वन है मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू डिक्रीजेस ना, एक्सो को कूल करो, एक्सो को हीट करो तो के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस, एंड डेल्टा इज नेगेटिव और टेम्परेचर डिक्रीज करो, मतलब एक्सो को कूल करें तब क्या होगा, कूल करोगे तो ऑफकोर्स के एफ के भी दोनों डिक्रीज हुआ, एंड लॉग के टू बाई के वन को क्या हो गया,
यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस निगेटिव, वो भी टेम्परेचर भी घटा दिया गया, निगेटिव इंटू निगेटिव ये पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, मतलब फॉरवर्ड कब गया ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद कर लेना, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन हीटिंग एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन कूलिंग गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिकॉज के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस, एंडोथर्मिक को हीट कर दो और एक्सोथर्मिक को कूल कर दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको बनाने में एनर्जी चाहिए और तुम एनर्जी ही दे रहे हो तो फॉरवर्ड ही जाएगा ना वो, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे वाटर हो गया, वाटर को आइस बनाना है तो कभी भी गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो एनर्जी रिलीज रहता है उसे कूल कर दो तो लिक्विड से सॉलिड बनते चला जाएगा वो, तो एंडोथर्मिक को हीट करोगे तो फॉरवर्ड, जैसे एंडोथर्मिक क्या हो गया सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हीट लेगा तभी तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए तुम जितना हीट दोगे उतना लिक्विड बनेगा। हाँ, तो ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबको क्लियर हो गया इट मीन्स। ओके, तो अभी मैंने बताया लॉग के टू बाई के वन, यहां से लिख सकते हो बी एल एन के बाई डी टी स्क्वायर टू डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर है, डी एल एन के इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर डी टी, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो एल एन के विल बी माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस लॉग ए, कांस्टेंट ले लो या ए भी ले लो या सी ले लो कुछ भी ले लो, तो कांस्टेंट ही है ना फर्स्ट इक्वेशन, और लॉग लोगे तो 2.303 आएगा माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर 1 बाई टी प्लस लॉग ए, इसको एल एन ही ले, एल एन है तो एल एन ले ले एक कांस्टेंट, तो ग्राफ पूछता है तुम लॉग के विथ वन बाई टी इफ डेल्टा एच इज निगेटिव तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वाई इक्वल टू एम एस प्लस सी ना, ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये सी, ये ग्राफ इधर गया मतलब सब पॉजिटिव स्लोप है, मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए, निगेटिव होगा तो इधर से जाएगा ना, और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो वो इधर से जाएगा, नेगेटिव स्लोप आ जाएगा डेल्टा एच पाई, और टैन थीटा का वैल्यू होगा कितना माइनस डेल्टा एच पाई 2.303 यार, एल एन रहेगा तो 2.303 हटा देना बस, जैसे एल एन के एन वन बाई टी, और ऐसे दिखा दिया गया, ये क्या होगा मतलब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव स्लोप, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तभी ना, अपने बुकलेट में भी अच्छे से दिया, क्लियर हो गया सबको अभी। ओके, अब कहीं कैलकुलेशन और केपी और केसी करना हो, कैलकुलेशन ऑफ तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, खुद से भी पढ़ो तो पूरा समझ में आता है, तो स्टोकियोमेट्रिक मेथड कैसे करेंगे, नहीं कैलकुलेशन ऑफ केपी और केसी, उससे पहले के इक्विलिब्रियम का एक और पार्ट करना,
इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जैसे ए गिव्स आउट बी, इसका के इक्विलिब्रियम है बी बाई ए, तो इफ वी राइट टू ए से टू बी तो इसका के इक्विलिब्रियम अलग हो जाएगा, के डैश इक्विलिब्रियम आएगा वो आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो जो पहले वाला के इक्विलिब्रियम था इसका स्क्वायर होगा, मतलब तुम एन टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो के डैश इक्विलिब्रियम क्या होगा, के इक्विलिब्रियम रिच टू एन, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पावर रेज हो जाएगा, और रिवर्स कर दें रिएक्शन को तो के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, ये ए बाई बी आया तो ये अपोजिट ऑफ के इक्विलिब्रियम आएगा ना, मतलब इनवर्स हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन ये आता ही है बार बार, टू एच आई गिव्स आउट एच टू गैस प्लस आई टू गैस, इसका के सी इक्वल टू मान लो 49 है, तो हाफ एच टू गैस प्लस हाफ आई टू गैस गिव्स आउट एच आई गैस, इसका के सी का वैल्यू क्या होगा, इसका केसी इज व्हाट, ट्राई करो बताओ, 1/7 सो फास्ट, इसका आंसर था भी शेड, वेरी गुड शेड मिस्ता, ओके और लोग आंसर नहीं हुआ अभी, आनंदी राइट, दो आंसर आ गए, ठीक है, तो रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो क्या बच जाएगा, एच टू गैस प्लस आई टू गैस गिव्स आउट टू एच आई गैस, के डैश सी का वैल्यू कितना होगा, 1/49, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एच टू गैस प्लस हाफ आई टू गैस गिव्स आउट एच आई गैस, इसका के डैश सी विल बी 1/7, यही होगा ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना जितना पावर डालोगे उससे, हाफ से मल्टीप्लाई किया था पावर में हाफ आ गया तो 1/7, सबको क्लियर हो गया, ये यस ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है, इफ टू रिएक्शंस आर एडेड या सब्ट्रैक्टेड देयर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स आर मल्टीप्लाइड, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स आर मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, एग्जाम्पल देखें, जैसे ए गिव्स आउट बी, इसका के वन है बी बाई ए, इसको ऐड कर दिया एक रिएक्शन सी गिव्स आउट डी से, इसका के टू होगा डी बाई सी, अब ये दोनों का ऐड कर दें हम लोग, ए प्लस सी gives out b plus t, तो k equilibrium will be, इसका कितना होगा b into d by a into c, ये वैल्यू नोन है ऊपर के रिएक्शन से, ये भी नोन है, दैट इज k1 into k2 ना, सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज what, मल्टीप्लाइड, इफ सब्सट्रैक्टेड तो डिवाइड आ जाएगा, कैसे a b सी डी, ये दो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट कर दें
ये बच जाएगा ए प्लस बी, गिव्स आउट सी उधर चला गया ना, नहीं रॉन्ग हो गया, डी को माइनस किया था, ए प्लस डी आएगा ना, और उधर सी प्लस बी जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम विल बी सी बाय सी इंटू बी डिवाइडेड बाय डी इंटू ए। अब सी बाय डी देखो क्या है, डी बाई सी इज के टू, तो ये वन बाई के टू हो गया ना, और बी बाई वन इज के वन, तो के वन बाई के टू आ गया। तो टू रिएक्शन का क्या हो गया, ये डिवाइडेड हो गया, क्लियर, सबको क्लियर हुआ ये? ओके सबको क्लियर है, ओके अब हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। कोई रिएक्शन दिया हुआ था, कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। पहला हो गया स्टॉकियोमेट्रिक मेथड, ये अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दिस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कैसे होगा देखें, जैसे ये गैस है गिव्स आउट ऐसे लिखते हैं, टी इक्वल टू जीरो पे मान लो इनिशियल मोल एम है, एम मोल से ये जीरो जीरो होगा, टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, टी इक्विलिब्रियम पे एम माइनस ए एक्स, ये बेसिक याद है कि नहीं, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ये बी एक्स इसका कोएफिशिएंट और इसका सी एक्स, ऐसा लिखते हैं, कोएफिशिएंट लिखते हो ना, ये फाइनल मोल्स स्टोकियोमेट्री में ऐसे लिखते हैं। अब पहला देखो, मान लो 2HI गैस, तुम्हें हमेशा तीन स्टेप लिखना है, T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, देन कंसेंट्रेशन, क्योंकि हम लोग का कंसेंट्रेशन ही चाहिए इक्विलिब्रियम पे। तो जैसे कि इनिशियल टाइम T इक्वल टू जीरो पे इसका A मोल था, ये जीरो जीरो होगा, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, A माइनस कोएफिशिएंट क्या है 2X, 2x मोल ब्रेक हुआ तो ये x मोल और ये x मोल आएगा, यही होगा ना, बट तुम्हें मोल नहीं लिखना है, केसी में तो कंसेंट्रेशन लिखना होता है ना, तो वो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, मतलब कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो ये तीन स्टेप याद होना चाहिए, टाइम t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू t, एंड देन उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तभी केसी लिख पाओगे ना, केसी में इसी का यूज है। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल जिसमें वो रिएक्शन हो रहा है, वही होगा ना। अब केसी कैसे लिखे, केपी कैसे लिखे, यही करना है ना। तो केसी का जो वैल्यू हो गया वो कैसे बताया था मैंने, H2 I2 बाय ए रेस टू ए बी रेस टू बी, ऐसा था ना, HI का स्क्वायर कोएफिशिएंट से आ जाएगा x by v into x by v by a minus 2x by v का होल स्क्वायर, तो v कैंसल हो गया, ये बच गया x स्क्वायर by a minus 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया केसी। ये तो क्लियर होगा सबको, पिछले बार भी बता दिया था केसी ऐसे लिखते हैं।
यस ओके okay. अब केपी को कैलकुलेट करना है, तो केपी कैसे आता है? सेम कैलकुलेशन ऑफ केपी, केपी के लिए जब लिखना पड़ेगा तुम्हें, या तो केसी पूछेगा ये केपी, तो केपी का फॉर्म लिखना आना चाहिए, पी एच टू इंटू पी आई टू डिवाइडेड बाई पी एच आई का स्क्वायर। पी एच टू प्लस पी आई टू बाई पी एच आई के स्क्वायर, ऐसे है ना? अब पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू इंटू पी टोटल, ये एट इक्विलिब्रियम ना, और ये भी पी टोटल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू कितना है उसका? एच टू का खुद का मोल कितना है? एक्स मोल बाई टोटल मोल कितना हो गया? ए माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल मोल इतना ही है ना, इन टू पी, ये कितना आ गया? एक्स वाई, टोटल मोल तो उतना ही रह गया, टू मोल से टू मोल ही बन रहा है ना, इससे फर्क नहीं पड़ा, जितना मोल तुमने लिया था उतना ही रह गया, एक्स बाई ए इन टू पी। पी आई टू भी सेम वे से एक्स बाई ए इन टू पी, बट पी एच आई क्या होगा? इसका अपना मोल कितना है? ए माइनस टू एक्स बाई टोटल मोल ए इन टू पी, ऐसे होगा ना? अब केपी के वैल्यू पुट कर दो, तो पी एच टू कितना हो गया? पी एच टू इंटू पी आई टू बाई पी एच आई का स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आएगा ये एक्स बाई ए इंटू पी, और दूसरा भी वही एक्स बाई ए इंटू पी, और ये हो गया ए माइनस टू एक्स बाई ए इंटू पी का स्क्वायर ना, तो देखो प्रेशर कैंसिल हो गया, कितना आ जा रहा फिर? ये सेम आ रहा है जो केसी आया था, उतना ही आ गया ना। एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, और होना भी चाहिए था, के पी क्या होता है? के सी आर टी रेस्ट टू डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो है, तो के पी विल बी के सी, आया भी वो। सबको क्लियर हो गया इतना? यस ओके। तो किसी भी क्वेश्चन बस इसी तरह से करना है, केसी निकालना है कि केपी निकालना है, ए वगैरह दिया रहेगा, बस ये वैल्यू पुट करना होगा। अब जिसमें वॉल्यूम कैंसल ना हो, जैसे एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस गिव्स आउट टू एन एच टू गैस, यहाँ प्रेशर कंटिन्यूअसली टोटल कम होता जाएगा, इनिशियल प्रेशर जितना लोगे बाद में कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल वन प्लस थ्री, फोर मोल से टू मोल की हो जा रहा है, तो हम लोग को तो इक्विलिब्रियम प्रेशर चाहिए। ये ए मोल लिया तुमने, इसका बी मोल लिया, जीरो ले लिया, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे इसका ए माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स, और ये होगा टू एक्स। कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ए माइनस एक्स बाई बी बी माइनस थ्री एक्स बाई बी, और ये हो गया टू एक्स बाई बी मोलर। एन टोटल कितना आ गया? ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस थ्री एक्स
प्लस टू एक्स, ए प्लस बी माइनस टू एक्स, ऐसे हुआ ना। हाँ तो एन टोटल ये आ रहा है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू की बात करें तो होगा उसका अपना मोल बाई टोटल मोल, ए प्लस बी माइनस टू एक्स, ये होगा ना। तो पी टोटल कितना आ जाएगा, पी एन टू ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी माइनस टू एक्स इन टू पी। पी एच टू कितना होगा, उसका अपना मोल बी माइनस थ्री एक्स बाई टोटल मोल ए प्लस बी माइनस टू एक्स इन टू पी। और पी एन एस थ्री कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एस थ्री, टू एक्स बाई ए प्लस बी माइनस टू एक्स इन टू पी। अब केपी लिखेंगे, केपी क्या था, पार्शियल प्रेशर के टर्म में पी एन एस थ्री का स्क्वायर बाई पी एन टू और पी एच टू का क्यूब। पी एन एस थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, टू एक्स बाई ए प्लस बी माइनस टू एक्स इन टू पी का स्क्वायर, यही होगा ना। और एन टू ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी माइनस टू एक्स इन टू पी। और एच टू में तो क्यूब आएगा, बी माइनस थ्री एक्स बाई ए प्लस बी माइनस थ्री एक्स इन टू पी का क्यूब आएगा ना। ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, ये आगे लिखना होगा। ये फॉर्म लिखना तो क्लियर हो गया, कैसे लिखेंगे। अब देखो इसका फॉर्म से आया क्या, और ये केपी आ गया। कैसे लिखना रहता तो क्या करते, वो तो डायरेक्ट हो गया, वो टू एक्स बाई वी बी माइनस थ्री एक्स बाई वी ए माइनस एक्स का वी स्क्वायर, इस तरह से होगा ना। हाँ केपी कैसे दोनों लिखना आ गया, कोई भी इक्वेशन रहेगा तो। तो ये जो केपी का वैल्यू आ गया वो हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स ए माइनस थ्री एक्स बी तरह बी माइनस थ्री एक्स का क्यूब, ऊपर में आ जाएगा ए प्लस बी माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर बाई ए टी स्क्वायर आया था। और केसी का जो वैल्यू हो गया वो था एन एस थ्री का स्क्वायर कंसेंट्रेशन बाई एन टू कंसेंट्रेशन और एच टू का क्यूब, इसका वैल्यू तभी नहीं याद होगा तुम लोग को, ये मैंने टू एक्स बाई वी लिखा था, टू एक्स बाई वी का स्क्वायर हाँ ए माइनस एक्स बाई वी और बी माइनस थ्री एक्स बाई वी का क्यूब, ये रहेगा ना। तो के पी कैसे लिखना तुम्हें ये समझ में आ जा रहा, कैसे लिखना है। अब हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम रहेगा तो कैसे लिखेंगे, है ना। जैसे कि हेटरोजीनियस केमिकल इक्वेशन, उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे करें, है ना। इसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज, एक या एक फेज से ज्यादा रहता है, मतलब एक सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड है, एक गैस है या सॉलिड लिक्विड है या सॉलिड गैस है, तो डिफरेंट डिफरेंट फेज हो गया। तो जैसे सी ए सी ओ थ्री गिव्स आउट सी ओ सॉलिड प्लस सी ओ टू गैस, ऐसे आगे। इसका जब केपी लिखोगे तो सिर्फ प्रेशर ऑफ सी ओ टू आएगा, गैस के टर्म में तो सिर्फ CO2 गैस ही है ना, और केसी लिखोगे तो कंसेंट्रेशन आएगा, तो कंसेंट्रेशन सिर्फ CO2 का ही आएगा।
TSA3 और CaO का कंसेंट्रेशन फिक्स होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कॉन्स्टेंट। एज्यूम टू बी वन, मतलब इसका कंसेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा CaCO3 और CaO का, तो उसे वन मान लो। तो उसे कैसे कर रहे हैं हम लोग, जैसे CaCO3 सॉलिड गिव्स आउट, जब तुम CaCO3 को लेके हिट करो रूम में, ये हो गया CaCO3। और यहाँ पे CO2 आ गया, ये वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम V नॉट है। तो CO2 का जब कंसेंट्रेशन होगा तो होगा उसका नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाय पूरे रूम का वॉल्यूम, बट CaCO3 का कंसेंट्रेशन हो गया तो उसका अपना नंबर ऑफ मोल बाय उसका अपना वॉल्यूम ना, वो जहां पर होगा उसी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे ना। इट इज मास ऑफ CaCO3 बाय मोलर मास ऑफ CaCO3, तो फिक्स 100 होता है इंटू वी नॉट, और मास बाई वॉल्यूम ये भी फिक्स है, डेंसिटी होता है, इट इज डेंसिटी बाई मोलर मास। तो एक रिएक्शन में यदि डेंसिटी CaCO3 धीरे धीरे गायब होते जाए क्या, तो क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगी? जैसे तुम वाटर बॉटल ले लो, थोड़ा पानी पी भी जाओ, तो वाटर की डेंसिटी तो वही रहेगी, यही हुआ ना। तो डेंसिटी बाई मोलर मास होता है, तो फिक्स रहता है ना। जैसे वाटर का हो जाता है 1000/18, 55.56 मोलारिटी, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, दोनों में से कुछ भी वेरिएबल नहीं है। जब ये कांस्टेंट है तो जब तुम K-C लिखोगे तो कितना होगा, CaO सॉलिड CO2 बाई CaCO3। तो जब ये दोनों कांस्टेंट ही है तो इसे मल्टीप्लाई करके एक न्यू कांस्टेंट बना दें, उसको इधर क्यों रखेंगे, CaCO3 और CaO, ये बच गया CO2, तो उसको न्यू कांस्टेंट कैसी दे दिया, कैसी इक्वल टू CO2 कर दिया, बस हो गया। तो इतना मतलब कांस्टेंट को इमेजिन करो कि उधर गया, फिर वो लिया मल्टीप्लाई करके न्यू कांस्टेंट लिया, उसका जगह वन मान ले, CaCO3 CaO को वन मान लो, तो फिर आंसर वही आ जाता ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू CO2। ये क्लियर हुआ? ओके ये पार्ट हो गया, अभी हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का कैसे करेंगे। सबको क्लियर है? ओके अब जैसे कि ये दे दिया जाए H2O लिक्विड, H2O गैस, इसका केपी में गैस है तब तो आएगा, और गैस है ही नहीं तब तक केपी डिफाइंड ही नहीं होगा, और केसी में भी H2O गैस का ही आएगा ऐसे कंसेंट्रेशन। H2O लिक्विड तो प्योर है, वो कांस्टेंट रहेगा, उसको नहीं लेना है। NH4HS सॉलिड ले लो, इट गिव्स आउट NH3 गैस प्लस H2S गैस, इसको कैसे करेंगे, ये दोनों का वन वन मोल आएगा है ना। तो मान लो तुमने ए मोल ले लो, इसका ए मोल ले लो, यही आएगा ना। तो कंसेंट्रेशन के लिए बाई बी मोलर, ए बाई बी मोलर ऐसे लिख सकते हो ना। प्रेशर भी दोनों का सेम आएगा,
इसको मान लो पी एटीएम, तो ये भी कितना आएगा पी एटीएम, दोनों का सेम मोल आया तो प्रेशर भी सेम आएगा। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे इस तरह से होगा ना, और ये तो कांस्टेंट, उसको छोड़ दो, तो केसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन एस थ्री एन टू एच टू एस। अब ये वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, एन एच फोर एच एस सॉलिड, उसे छोड़ दो, तो ए बाई बी इंटू ए बाई बी। और केपी का जो वैल्यू होगा पी एन एस थ्री इंटू पी एच टू एस, यही होगा ना, पी इंटू पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर ना, इफ पी टोटल इज गिवन तो कितना होगा, तब पी एन एस थ्री को क्या लिखोगे, पी टोटल का हाफ ही होगा ना, दोनों इक्वल है ना, पी एन एस थ्री विल बी पी टोटल बाई टू, उसका अपना मोल ए मोल बाई टोटल मोल इन टू, उसका अपना मोल कितना है ए मोल बाई टोटल मोल टू ए इन टू पी ना, इसको पी नॉट लिख दें या पी, ठीक है नॉट को पी टी, तो पी टी बाई टू आ गया है ना, तो पी एन एस थ्री भी वही आ गया, पी एस टू एस भी वही आ गया, पी टी बाई टू टोटल प्रेशर बाई टू, तो केपी का वैल्यू कितना होगा, पी टी बाई टू इंटू पी टी बाई टू। सबको क्लियर हुआ अभी, ये कैसे करना था, ओके क्लियर। एक क्वेश्चन बताऊं मैं, ऐसा हो गया पी टोटल इज इक्वल टू सिक्स एटीएम, केपी विल बी व्हाट, सेकंड KP is given to be 25 ATM, 25 ATM square, so P total will be what? ये दो का आंसर करो।
ओके हो गया आंसर आयुष 9 ATM 9 ATM स्क्वायर एंड 10 ATM ओके साहिल 9 एंड 10 ओके 9 एंड 10 ओके लेट मी चेक क्वेश्चन क्या था हाँ राइट 9 एंड 10 एग्जैक्टली राइट गुड सो व्हाट इज देयर कि ये पी और पी था ना तो टोटल प्रेशर 2P हो गया मतलब पी इज 3 केपी कितना होता है पी स्क्वायर ना 3 का स्क्वायर 9 ATM और इसका केपी इतना है तो केपी कितना होता है पी स्क्वायर ना तो पी इज इक्वल टू 5 तो पी टोटल पी प्लस पी था मतलब 10 ATM सबको क्लियर हुआ कैसे किया ओके अब आगे बात रिएक्शन क्वोशेंट प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन डायरेक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन रिएक्शन क्वोशेंट क्यू So, what is defined as Q? उसकी बात करें हम लोग QC या QP जो भी लोगे कॉन्स्टेंट ये इसका जो होगा सेम फॉर्म एच KC KP एक ही जैसा फॉर्म होगा बट Depends upon concentration. Depends on concentration. जबकि केसी केपी किस पे डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम केसी बिकम्स इक्वल टू क्यूसी और केपी बिकम्स इक्वल टू क्यूपी इसके मीनिंग क्या हो गया वो देखें H2 गैस प्लस I2 गैस gives out 2H, I guess. इसका केसी मान लो 49 49 है और तुमने इसका 1 मोलर ऐड किया 1 मोलर ऐड किया इसका 6 मोलर ऐड किया टाइम टी इक्वल टू 0 पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा वो नहीं मालूम है ना तुम रिएक्शन में H2 I2 और HI होता तुम्हारे हाथ में एक को 5 मोल ऐड कर दो एक को 10 एक को 20 किधर जाएगा वो तो मालूम ही नहीं चल रहा है ना उसके लिए QC आया तो QC जो हो गया सेम फॉर्म एज KC HI का स्क्वायर बाय व्हाट H2 और I2 बट ये कंसेंट्रेशन किसी भी टाइम पे ये टाइम t इक्वल टू 0 उस पे इतना है ना 36 इसका प्रेडिक्शन कैसे होगा इफ Q इज लेस देन K रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन Q इज इक्वल टू K रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड Q इज ग्रेटर देन K रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन This is less than KC. So reaction shift in the forward direction. So T is equal to T equilibrium पे H2 और I2 react करेंगे और HI बनाएंगे. इसका 1 minus X molar will react with 1 minus X molar of this. इसका 6 plus 2X molar बनेगा. यही होगा ना? तो कभी भी सब दिया रहे reactant product. तो तुम्हें Q check कर लेना. उसके बाद सोचना कि फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा सब नहीं दिया हुआ केवल रिएक्टेंट रहता तो फॉरवर्ड ही जाएगा केवल प्रोडक्ट है तो बैकवर्ड ही जाएगा केवल रिएक्टेंट रहता तो क्या हो जाता ये 0 का स्क्वायर बाई 1 इंटू 1 0 ही आता ना इट इज लेस देन KC तो ये तो फॉरवर्ड ही जाएगा मतलब ओनली रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे तो QC 0 आ जाएगा विच इज लेस देन KC तो फॉरवर्ड ही जाएगा यहाँ भी तो फॉरवर्ड जा रहा है और एट इक्विलिब्रियम QC is equal to KC. QC कितना हो गया 6 plus 2X का होल स्क्वायर
y1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। या x कैलकुलेट कर दो तो वैल्यू मालूम चल जाएगा, x2 इक्वल टू y2 इक्वल टू वो कितना है 1 - x यहाँ से आ जाएगा, और एच आई का कंसंट्रेशन 6 + 2x वो भी आ जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब दिया हो तो प्रेडिक्ट करो किधर जाएगा। जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स आउट 2HI गैस है, और QC का वैल्यू सॉरी QC तो नहीं KC का वैल्यू 49 है। अब तुम्हें टाइम t इक्वल टू 0 पे तुमने क्या किया, 1 मोलर इसका 8 मोलर इसका लिया, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगा ट्राई करो। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आंसर नहीं है अभी। ओके 2 मिनट और ट्राई करो। सबका वैल्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2 I2 HI ऑल
नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, अटेम्प्ट किया ना चलेगा। -2 -2, हाँ चलो अभी कम से कम याद रहेगा करना क्या था। पहले मैंने बोला था कि क्यूसी चेक करो जब सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो कि डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। तुम इसके लिए क्यूसी क्या वैल्यू होगा, रिएक्शन जैसा रहेगा सेम फॉर्म एच के सी H2 और I2, ये हो गया 8 का स्क्वायर बाई 1 × 1, अति हो गया 64। क्यूसी इज वॉट ग्रेटर देन के सी ना, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड आएगा मतलब एच आई ब्रेक होगा, वो 2x मोल ब्रेक हो गया इसका H2 गैस प्लस I2 गैस। इसका 1 मोल तो पहले से था, 1 मोल फॉर्म हो गया 1 + x और 1 + x। सो एट इक्विलिब्रियम क्यूसी इज इक्वल टू के सी। एट इक्विलिब्रियम क्यूसी इज इक्वल टू के सी, तो क्यूसी का वैल्यू हो गया 8 - 2x होल स्क्वायर और 1 + x होल स्क्वायर, और ये आ गया 49। हाँ तो यहां से आ जाएगा ना 8 - 2x / 1 + x = 7, x का वैल्यू कुछ तो आएगा। देन H2 और I2 इक्वल है कितने हैं 1 + x, इससे आ जाएगा। और HI का वैल्यू कितना है 8 - 2x, इससे ये आ जाएगा। क्लियर हुआ क्यूसी केसी पे कैसे करना है? ओके ये याद रखना है, रिएक्शन को डायरेक्ट फॉरवर्ड मत कर देना, तुम्हें चेक करना होगा सब दिया हुआ है कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। केवल रिएक्टेंट है तो फॉरवर्ड ठीक है, केवल प्रोडक्ट है तो बैकवर्ड ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लास्ट कंसेप्ट इसका, उसके बाद पूरा बिंगस बॉक्स वगैरह वो सब कर सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो DOD, ये पहले भी कहीं का यूज किया, अल्फा है तो परसेंटेज DOD विल बी α × 100, मतलब 30% को 0.3 लिखते हैं। अल्फा क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट या मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। तो कितना मोल कन्वर्ट हुआ, जैसे कि ए गैस गिव्स आउट 2B गैस, T = 0 पे मान लो ए मोल था तो 0 था, T = T इक्विलिब्रियम पे A - x हो गया तो 2x हो गया। तो अल्फा क्या हो गया, जितना मोल कन्वर्ट हुआ x मोल विथ रेस्पेक्ट टू ए, कितना परसेंट कन्वर्सन हो गया x आउट ऑफ ए इनटू 100 ना, बस 100 मत करना, वही हो गया। अब परसेंटेज ऑफ अल्फा की पूछे तो x / a × 100, तो परसेंट कन्वर्सन में 100 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो इसमें डायरेक्ट इस तरह से करोगे। तो T = T इक्विलिब्रियम पे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a - x को ए अल्फा लिख दे हम लोग, यहाँ एक्स का वैल्यू ए अल्फा मतलब 2a अल्फा आएगा ना, a 1 - α गिव्स आउट 2a अल्फा, ऐसे हुआ ना। ये फॉर्म भी लिख सकते हो, ये फॉर्म लिखना रहा है जैसे ए गैस गिव्स आउट 3B गैस, तुम्हें कैसे लिखना होगा इसको, 1 - α, ये 3α कर दो, फिर a से मल्टीप्लाई कर दो, 1 रहता तो अल्फा मोल से 3α आता, ए मोल रहेगा तो a × that a 1 - α, ये हो गया 3α, ये होगा ना 2A गैस गिव्स आउट B गैस। तो पहले 1 में α ब्रेक हुआ, यहाँ कितना आएगा, हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा करना होगा, 2α नहीं, 1 - 2α कर दोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं हुआ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब 1 के रेस्पेक्ट में कितना ब्रेक हुआ,
वन माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बाई टू अकॉर्डिंगली लिखोगे, 2 मोल का 1 मोल ना, तो अल्फा मोल का अल्फा बाई टू। अब ए मोल दिया था, इस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, क्लियर। अब इसका एप्लीकेशन एक बार देख, हाँ साहब 1 मिनट। जूम रिसेट हो गया, वो आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता, फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। आईपैड नहीं है ये, एक्सपी का नोट नोट नहीं है, एक्सपी पेन है। काम करो, फंक्शन के लॉट लॉक द व्हाइट बोर्ड। ओके वन प्लस और एक्स और 8 माइनस 2x कैसा है? अभी डाउट है क्या इसमें? अच्छा वो क्यों, ये समझ में आया कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा अथर्व, क्यूसी इज ग्रेटर देन कैसी, तो बैकवर्ड जाएगा, तो बैकवर्ड जाएगा, तो एचआई को ब्रेक करो। मान लो एचआई का 2x मोल ब्रेक हुआ, तो एस टू और आई टू का एक्स और एक्स मोल फॉर्म होगा, यही होगा ना? फिर से ज्वाइन करो तुमको, फिर से नहीं, मैं निकलता हूँ, मैं निकलूंगा तो कैसे होगा, काम करता हूँ।
तुम्हें ये रिएक्शन कब बैकवर्ड लेना है कब ये तुम्हें समझना होगा। जैसे कि मान लो कि कोई रिएक्शन दे दे, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स आउट सी गैस प्लस डी गैस। केसी का वैल्यू मान लो कुछ तो है, केसी का वैल्यू 1 दिया है, इसका 2 मोलर, इसका 3 मोलर, इसका 4 मोलर और इसका भी कुछ 1 मोलर दिया हुआ है। तो रिएक्शन किधर ले जाओगे, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? क्यूसी पे आ गया ना बात। हाँ क्यूसी पे आ जाएगा, तो क्यूसी चेक करोगे तो कितना होगा, 4 × 1/2 × 3, सबका पावर 1 ही लिया मैंने, तो 4/6 मतलब इट इज लेस देन 1, तो केसी से कम है, क्यूसी कम है तो किधर आएगा, क्यूसी कम होगा तो फॉरवर्ड जाता है, यही है ना। तो इसको लिखोगे 2 − x, इसके 3 − x, x मोल से रिएक्ट करके इसका 4x और ये 1 + x, और इक्विलिब्रियम पे हो गया 4 + x 1 + x डिवाइडेड बाई 2 − x 3 − x, उसका वैल्यू के सी दैट इज 1। यहां से एक्स सॉल्व करते रहो, अब रिएक्शन फॉरवर्ड गया कि बैकवर्ड गया हो तो केसी पे डिपेंड करेगा। इफ इफ केसी इज गिवन टू बी 0.5, तो क्यूसी कितना आ गया, 4/6 which is greater than KC, it will move in backward direction. Backward आएगा तो T is equal to T equilibrium, तो क्या लिखोगे, अब C D से react करेगा, तो X mole of C reacts with X mole of D, तो ये 4 minus X और ये 1 minus X बच गया, इसका 2 plus X mole, इसका 3 plus X आ गया। अब QC 4 minus X into 1 minus X will be 2 plus X 3 plus X into KC, KC कितना था, 0.5, इससे करोगे। हाँ अब बताओ, अभी क्लियर हुआ कैसे फॉर्म लिखना है फॉरवर्ड के बैकवर्ड? हाँ क्लियर ना। प्रोडक्ट को लेफ्ट हैंड साइड लाना है, कि रिएक्टेंट को उसके लिए क्यूसी जरूर निकाल लेना। हाँ तभी हम लोग केसी की बात कर रहे थे, जैसे N2O4 गैस गिव्स आउट 2NO2 गैस, तुम्हें टी इक्वल टू 0 पे लिखना होगा। मान लो कि ए मोल ये 0 था, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखना है बताया मैंने, 1 − α और ये 2α, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 − α और ये 2α था, ए से मल्टीप्लाई करोगे 2A α, कंसेंट्रेशन चाहिए था ए माइनस अल्फा बाई बी 2A α बाई बी, इतना मोलर हुआ ना। फिर केसी कैपी निकाल लो, केसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2α/β² बाई ए 1 − α, और केपी का वैल्यू 1 − πPr एंड टोटल कितना है एट इक्विलिब्रियम, ए 1 − α प्लस 2α, तो ये आएगा ए 1 + α, तो PNO2 आएगा 2A α बाई टोटल मोल, ए 1 + α इंटू पी टोटल, तो 2α बाई 1 + α इंटू पी, और PN2O4 A1 − α A1 + α इंटू पी। पी का वैल्यू PNO2 का स्क्वायर बाई PN2O4, 2α बाई 1 + α इंटू पी का स्क्वायर, और PN2O4 1 − α बाई 1 + α इंटू पी, ये 4α² बाई 1 − α² इंटू पी। तो कई बार क्या करेगा ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोलेगा 10 ATM पे अल्फा 0.1 था,
तो टोटल प्रेशर ये 20 atm का दिया जाए तो अल्फा क्या आएगा, इससे कैलकुलेट हो जाएगा ना, केपी तो रिमेन सेम, तो 4α1 का स्क्वायर इंटू P1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कुछ ऐसे हो गया, यहाँ पे ये केपी आया ना, वो 10 atm पे बोलेगा अल्फा 0.1 है, तो 20 atm पे क्या होगा, तो दोनों को बस इक्वेट कर दोगे ना, α1 स्क्वायर बाई 1 अल्फा स्क्वायर, मतलब केपी जो आया था 4α² / n - α² इंटू पी, IIT का आया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन वो देंगे P = 10 atm, α = 0.1, P = 20 atm, α = what, ये कितना होगा, केपी रिमेन्स सेम, 0.1 का स्क्वायर / 1 - 0.1 का स्क्वायर इंटू 10 = α² / 1 - α² इंटू 20, इससे α² आ जाएगा ना, क्लियर हुआ कैसे करना है। इसके अलावा एक मोल कंसेप्ट हम दोनों ने किया था, वो भी यहाँ पे कंबाइन कर लो, ए गैस गिव्स आउट एन बी गैस, अल्फा का जो वैल्यू था, मान लो ये मोल फिर से डिराइव कर लेते हैं काम करते, वहां पे डिराइव किया था A1 - 0, A1 - अल्फा, तो ये एन ए अल्फा आएगा, तो नंबर मॉलिकुलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाई मोलर मास, द नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली रिलेटेड टू मोलर मास, द मोलर मास थियोरेटिकल बाई मोलर मास ऑब्जॉर्ब, वो कितना होगा, एन ऑब्जॉर्ब बाई एन थियोरेटिकल, और एन ऑब्जॉर्ब कितना हो गया, थियोरेटिकली तुमने ए मोल लिया, जबकि टोटल मोल कितना हो गया, A1 - α + nA α, ये तो कैंसल हो गया, ये 1 + nα आ गया, m theoretical by m absorbed 1 + nα आ गया, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1 mol gives out n था ना, तो ये जो आ गया 1 + n - 1α is equal to m theoretical by m absorbed, अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, फिर वो फॉर्मूला याद है, अल्फा विल बी एम टी माइनस एम ओ बाई एम ओ एन माइनस वन, ऐसा एक फॉर्मूला मोल कंसेप्ट में था। अब देखो Cl2 गिव्स आउट 2Cl, ये हो गया, तो थ्योरेटिकली मान लो तुमने 1 mol ले लिया या 1 mol नहीं भी लिया, क्वेश्चन है कि अल्फा 0.3 है, मोल एम मिक्सचर कितना होगा, अल्फा का वैल्यू, तो एम थ्योरेटिकल कितना होगा, थ्योरेटिकली तो तुमने Cl2 ही लिया है, वो तो बाद में ब्रेक हो गया, एम थ्योरेटिकल मतलब Cl2 का Cl, और एम ऑब्जॉर्ब मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम लोग, अल्फा जब 0.3 हो गया, ये कितना हो गया, एम थ्योरेटिकल 71 माइनस एम ऑब्जॉर्ब बाई एम ऑब्जॉर्ब बाई एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या वैल्यू, 2 - 1, यहां से एम ऑब्जॉर्ब आ जाएगा ना, ये क्लियर हुआ, ओके एन का वैल्यू कैसे होगा कि 1 mol कितने मोल में जाता है, जैसे 3A mol गिव्स आउट 4B + 7C ना, 1 mol ए विल कन्वर्ट टू व्हाट, 4 + 7 = 11, 11/3 है ना, 3 mol से 11 mol, ऐसे 3 mol कन्वर्ट टू 11 mol, 1 mol विल कन्वर्ट टू 11/3, तो इसके लिए एन का वैल्यू जो होगा 11/3, 1 mol कितने मोल में कन्वर्ट किया वो एन था, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा,
ये नहीं आता कहीं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। जैसे 2 मोल एसिटिक एसिड लोगे ना, तो एसोसिएट होगा, एसोसिएट होके क्या बन जाता है, CH3COH2, ऐसा। तो मोल पहले, इसके लिए भी फिर सेम आएगा एवरीथिंग। यहाँ अल्फा का वैल्यू जो आएगा, MT-MO, MO(n-1) था ना, यहाँ 1/n-1, दैट्स इट, n की जगह 1/n, सेम डेरिवेशन इस तरह से आ जाएगा। जैसे ट्राइमराइजेशन, या ड्राइमराइजेशन का एग्जांपल वही करते हैं, जैसे एसिड, एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, डाइमराइज होता है। इफ अल्फा इज इक्वल टू गिवेन टू बी 0.4, सो एम ऑब्जॉर्ब विल बी व्हाट, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा MT-MO/MO(1/n-1). अब 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो एम थ्योरेटिकल कितना होगा, एसिडिक एसिड का जो मोलर मास हो गया 60/m absorbed, और ये 1/2 - 1 अल्फा, ऐसे एमओ का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर हुआ?